आज हम कचूमर सैलेड बनाएंगे और वो हम तीन वेरिएशन से बनाएंगे। और सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें एक कप टमाटर लिए हैं, इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं, और एक कप बंद गोभी है, इसको भी ऐसे काट लिए बारीक बारीक। एक कप प्याज नहीं है, वो भी इसी तरह बारीक बारीक कटे हुए हैं। फिर खीरा एक कप है, वो भी इसी तरह हमने बारीक बारीक काट ली है। एक बड़ी सब्ज मिर्च ली थी, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल है, एक नींबू का जूस है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है। अब सबसे पहले इसमें नमक लगाएंगे, प्याज के अंदर 1 टीस्पून हाफ टी स्पून नमक लगाएंगे, अच्छा सा मिक्स करके, और इसके बाद इसको पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें यह होता है कि अक्सर लोगों को प्याज खाने से बर्निंग होती है और इस तरह बर्निंग नहीं होगी। सब मैं इसको वॉश कर रही हूँ पानी से, मैं साइड पर कर देती हूँ। अब ये बाकी जो सैलेड की चीजें हैं ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बाहर डालूंगी तब तक इसका पानी अच्छा सा स्टेन हो जाएगा। उतनी देर तक इसकी मैं ड्रेसिंग रेडी करती हूँ। इसी बोल के अंदर ये सारी चीजें डाल के इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल डालने से अच्छी सी शाइन आ जाती है और सैलेड की शक्ल भी अच्छी हो जाती है। इसका पानी भी स्टेन हो चुका है, इसको मैं डाल देती हूँ अंदर, और ये जो ड्रेसिंग तैयार की है इसको भी अंदर मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। आप नमक और ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप ये वेजिटेबल काट के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपने सर्व करना होता है आप उसके अंदर नमक डालें, वरना नमक से ये वाटरी हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, सैलेड भी आपका सॉगी सा हो जाएगा। अब हम बनाएंगे दूसरा सैलेड, उसके लिए एक कप टमाटर लिए हैं, एक कप बंद गोभी है, एक कप प्याज है और एक कप खीरा है। इसी तरह हमने इनको बारीक बारीक काट लिए, और एक बड़ी ग्रीन चिली सब्ज मिर्च ली है उसको भी बारीक बारीक काट लिया। अब इसके लिए चाहिए हमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, 1 टीस्पून नींबू का जूस है, और तकरीबन 1 लीमू का जूस था, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब हमने जो नया फ्लेवर देना है वो हमने ब्राउन शुगर का, थोड़ा सा मीठा मीठा फ्लेवर आएगा। अभी हम सबसे पहले इसी तरह प्याज को नमक लगा के इसको वॉश कर लेती हूँ। सारी वेजिटेबल इसके अंदर डाल देते हैं। Sorry.
साइड पे कर देते हैं इसको। अब इसी तरह इसकी ड्रेसिंग इसके अंदर मिक्स करेंगे सारी। अब इस सैलेड को मैं इस बोल में निकाल देती हूँ। अब इस सैलेड को मैं साइड पे कर देती हूँ और तीसरा सैलेड बनाने की तैयारी करती हूँ। तीसरा सैलेड बनाएंगे इसी तरह, एक कप टमाटर है, एक कप बंद गोभी है, एक कप खीरा है और एक कप प्याज है। इसमें जो अब मैंने एक चीज ऐड की है वो अचार है। अचार मैंने लिए 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल है, 1 टीस्पून लीमू का जूस है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है। और इसी तरह प्याज में पहले नमक लगा के इसको वॉश कर लेती हूँ। ये अचार भी अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको भी डिश ऑफ कर लेती हूँ। कचुंबर सैलेड रेडी है। इसके अंदर लेमन का खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा और इसके अंदर खट्टा मीठा सा टेस्ट है। इस तीसरे वाले सैलेड में आपको टैंगी सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। आप भी ये सैलेड बनाइए इसी तरह वेरिएशन से बनाइए। और ये सैलेड अच्छे लगते हैं दाल के साथ या चावलों के साथ। आप भी इसे बनाइए और इसी तरह इसे इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।